नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल के लिए जगदूत न्यूज ब्यूरो जना की रिपोर्ट। जगदूत न्यूज ब्यूरो मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बड़े पर्दे पर दिखेगी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की प्रतिभा कश्यप। बेगूसराय प्रतिभा किस घर से निकलकर अपनी पहचान कायम कर लेगी, इस बात का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है, और जिसने संघर्ष को देखा एवं महसूस किया उसके आगे बढ़ने की संभावना भी ज्यादा रहती है। अतः गरीब और जरूरतमंद बच्चों की प्रतिभा को आगे लाने में समाज के सक्षम लोगों को आगे आना चाहिए। ये बातें बिहार सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह मशहूर बॉलीवुड एक्टर अमिय कश्यप ने माता कौशल्या फाउंडेशन के द्वारा संचालित किए जा रहे निःशुल्क शिक्षा सेवा शिविर में बच्चों व उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए लोहियानगर ओवर ब्रिज परिसर में कहीं। कश्यप ने कहा कि इन बच्चों में यदि कला संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता होगी तो दिनकर फिल्म सिटी इनकी प्रतिभा को उचित मंच पर प्रदर्शन का मौका देगी। झुग्गी झोपड़ी के इन बच्चों को उनके प्रतिभा के हिसाब से बड़े पर्दे पर चमकाया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रितिज पर उनकी प्रतिभा चमके। मौके पर उपस्थित बाइट कंप्यूटर के निदेशक संजय कुमार जी ने कहा कि इन बच्चों को शिक्षा दान देने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। यदि इन बच्चों में से कोई एक भी आगे बढ़ गया तो ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता होगी। बताते चले कि पिछले 40 दिनों से माता कौशल्या फाउंडेशन के रोशन कुमार के संयोजन में लोहियानगर ओवर ब्रिज के आसपास के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की पहल की जा रही है, जहां अभिनेता ने पहुंचकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। अभिनेता ने बच्चों के बीच अपने कई फिल्मी संवादों व संगीत से मनोरंजन भी किया। मौके पर पवन देव, अशोक कुमार, राजीव कुमार सहित दर्जन